प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज मैं आपको जो लेसन सेंड कर रही हूँ वो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे हमने स्टॉप किया था। हम कर रहे थे आर्टिकल्स के रूल्स। आर्टिकल्स के रूल्स में हमने पहले रूल जो नंबर वन रूल किया था वो था रिगार्डिंग यूज़ ऑफ अ। ठीक है, आपने देखा, आपने सुना उस दिन कि हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो कितने होते हैं। तीन आर्टिकल्स हैं जिनमें दो इनडेफिनेट हैं और एक डेफिनेट आर्टिकल है। अब हमने ये रूल्स देखने हैं कि कहाँ पे हम इन आर्टिकल्स को लगा सकते हैं। तो पहला मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि पहला जो हमारा रूल है कि आर्टिकल जो है वो एक कॉन्सोनेंट के, जो ये ए आर्टिकल है ये कॉन्सोनेंट के पहले आता है। कॉन्सोनेंट्स में आपको पता है कि इसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो उनके आगे पहले जो है हम वॉवल, ये जो ये आर्टिकल ए लगाते हैं, जैसे अ बर्ड, एट ऑल, एटसेट्रा। उसके बाद दूसरा जो रूल इसका है कि अब मैंने आपको कहा कि कॉन्सोनेंट्स के पहले लगता है, अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ओ के पहले लगता है, ओ जबकि क्या है, वॉवल है। अब वॉवल के पहले भी लगता है लेकिन कंडीशन ये है कि अगर इस ओ की आवाज़ जो है वो ओ की ना निकल के वा की निकलती हो, जैसे हम ओनियन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अगर यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये ओ एन ई क्या बनेगा, ये ऑन नहीं है, ये वन है, हम इसको वन पढ़ते हैं। तो जहाँ पे हमें ओ की आवाज़ ओ ना निकल के व की आवाज़ निकले वहाँ हमने उसके साथ एन नहीं बल्कि ए लगाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दी है, ए वन रुपी कॉइन, ए वन आइड मैन। ठीक है, उसके बाद अगला रूल ये है कि एक और वॉवल हमारा है यू, लेकिन यू के साथ भी हमने अ लगाना है। कहाँ पे, जहाँ पे यू की आवाज़ अन ना निकाल कर मतलब यू ना निकाल कर यू निकली, ऐसे हमें यू की आवाज़ क्या निकलती है, अन। समझ आ रही है, लेकिन यहाँ पे यू की आवाज़ जो है वो क्या निकलती है, यू। तो जहाँ पे यू निकले अन ना निकले वहाँ पे आपने क्या लगाना है, ए लगाना है। जैसे ए यूज़फुल थिंग, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सल फैक्ट। समझ आ रही है। अब अगर हम मान लें जैसे यू है उसमें अगर कोई ऐसा वर्ड है अम्ब्रेला, ठीक है, अंडरएस्टिमेट, ये जो है ना यहाँ पे ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मतलब जो भी हमारे यू वाले वर्ड्स हैं उनकी आवाज़ निकलती है अन, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी अन ना निकल के यू निकलती है जहाँ पे हम लगाते हैं आर्टिकल ए, नहीं तो जनरली वॉवल्स के साथ क्या लगता है, एन लगता है। ये इसके तीन रूल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स, ओ जहाँ पे व की आवाज़ निकली, यू जहाँ पे यू की आवाज़ निकली। अब दूसरा है रूल्स रिगार्डिंग यूज़ ऑफ एन। अब एन कहाँ पे लगता है, सबसे पहले एन आपको पता ही है एन कहाँ लगता है, वॉवल्स के साथ, जैसे ए ई आई ओ यू है, इनके साथ जो है हमारा एन लगता है, जैसे एन एप्पल, एन ऑनियन, एन अपर स्टोरी। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपने याद रखना है कि ये एन जो है हम कॉन्सोनेंट एच के साथ भी लगा सकते हैं, यानी कोई ऐसा वर्ड होगा जो एच से स्टार्ट होगा वहाँ पर भी हम एन लगाते हैं, मगर कंडीशन ये है कि वो एच जो है वो साइलेंट होना चाहिए, यानी जब हम पढ़ते हैं तब एच की साउंड नहीं आती है, तब एच के बाद जो वॉवल फॉलो करता है उसकी साउंड आती है। जैसे यहाँ पे है ऑनेस्ट, हमने हॉनेस्ट नहीं बोलना है, हॉनेस्ट बोलेंगे तो एन नहीं लगेगा, ऑनेस्ट बोलते हैं क्योंकि ओ जो है ये वॉवल है, ऑनेस्ट मैन। एन आर, ठीक है, एन ऑनर, यानी इन तीनों में आप देखते हो इन तीनों में एच जो है वो इसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, उसके आगे जो है जो वॉवल है उसकी आवाज़ निकल रही है, जिसकी वजह से ये हमें यहाँ पे एन लगाना पड़ता है। तीसरी कंडीशन है कि कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी आवाज़ जो है वो वॉवल की निकलती है, कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी
वॉवल की आवाज़ निकलती। यहाँ पे जो है ये कॉन्सोनेंट की आवाज़ साइलेंट थी, यहाँ पे कुछ कॉन्सोनेंट्स की वॉवल की आवाज़ निकलती, जैसे एम। अगर हम एम देखें तो हमें एम की आवाज़, मतलब एम पहले ए की लगती है, फिर उसके बाद एम की, एम एम एल, ठीक है। इन जगहों पे क्या होगा, इन जगहों पे हमें एन लगाना है, जहाँ पे हमें इस एम को पढ़ने में पहले ए की आवाज़ निकालनी पड़े वहाँ पे हमें एन लगाना चाहिए। ये हमारा आ गया किसका, ये आ गया एन का। उसके बाद हमारे पास रूल्स हैं द के, द के बहुत सारे रूल्स हैं, इनको आपने याद रखना है। फिलहाल मैंने आपको 5-6 दिखाए हैं। इसमें पहला है बिफोर ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग और ए थिंग, सबसे पहला रूल यही है द का कि हम किसी खास इंसान जगह या चीज़ के पहले द लगाते हैं। खास मीन्स जिसके बारे में हम जानते हो, यानी जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल, यहाँ पे द लगाया स्कूल के साथ, यानी किस स्कूल में जा रही हूँ, जिस स्कूल को मैं जानती हूँ, जहाँ मैं पढ़ती हूँ, किसी और स्कूल में नहीं जा रही हूँ। द मैन स्टैंडिंग इन द गार्डन इज माई अंकल। अब देखो द मैन कौन सा, वो इंसान जो कहाँ है, इन द गार्डन, किस उस गार्डन में, वो मेरा अंकल है, यानी वो इंसान जो उस गार्डन में खड़ा है, जिस गार्डन में मैं आपको दिखा रही हूँ या जिस गार्डन में मैं जा रही हूँ, वो मेरा अंकल है। सेकेंड रूल इसका है बिफोर थिंग्स ऑफ विच